मुझे एक साल पे बिग बॉस के घर के अंदर डाल दोगे, मुझे लग रहा है मैं ले जाऊंगी। कपड़ा इधर सिर का उधर हुआ, मुंह उधर सिर का, भी सब देखेंगे ऑडियंस। नहीं, सोच ही नहीं जा रही हूँ कि मैं बिग बॉस में प्यार नहीं जा रही हूँ, मैं अपना खेल खेलने जा रही हूँ। और बहुत ही मुझे नहीं लगता है कि मुझे प्यार व्यार होगा वहां पे। हेलो, हाय यूपी, वेलकम टू करी मसाला। वेरी हाय, हाउ आर यू नेहा? गुड, वेरी गुड, होप यू आर डूइंग गुड एंड ऑल सेट टू एंटर द हाउस। ऑल सेट, डन, प्रिपेयर, बिल्कुल। क्या लगा दैट यू सेड यस फॉर दिस प्रोजेक्ट? यस, मैंने बचपन में बोल दिया था, ऑफर बस इनका हुआ है। यस तो मेरी तरफ से हमेशा से ही था, बस इनकी पूछने की दे रही थी। ओके, तो फॉलो अप कर रहे हो आप ये शो? कब से? बचपन से, राखी सावन से लेकर राखी सावन तक मैंने फॉलो किया। स्ट्रैटेजी क्या होगी उसे ये बताइए, क्या माइंडसेट से आप घर के अंदर जा रहे हो? नो स्ट्रेटेजी, माय स्ट्रेटेजी, माइंडसेट इज बैक। वहीं जाके सब बनेगा, वहीं जा वो। नहीं मतलब बेसिकली यू नो, कई बार होता है कि कोई इमेज चेंज करने जाता है, कुछ क्लैरिफाई करने जाता है या अपनी रियल साइड दिखाने जाता है, तो आप उस हिसाब से आपकी कौन सी साइड दिखेगी फैंस को, व्यूअर्स को? मेरी रियल साइड ही दिखेगी और मैं कोई इमेज चेंज या क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं कर जा रही हूँ। मैं बस अपना मस्त चिल करने जा रही हूँ। मैं बस अच्छे से खेलने जा रही हूँ, एंजॉय करने जा रही हूँ। मैं बिग बॉस मजा लेने जा रही हूँ। मैं उसमें जीत भी गई तो माशाल्लाह। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो वो क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं, मुझे एक साल के बिग बॉस के घर के अंदर डाल दोगे, मुझे लग रहा है मैं ले जाऊंगी। मैं झेल लूंगी, मतलब झेलने के उसमें कोई वो नहीं है। वीकनेस मैं बोलूंगी कि मैं चिल्ला बहुत जल्दी देती हूँ और बस। वुड पर आने वाला है इस बार, तो छूट कुछ ज्यादा ही मिलने वाली है। 24 घंटे कैमरा तो थे ही, 24 घंटे टेलीकास्ट होगा। अब तक जो एडिट होकर ऑडियंस के सामने जाता था, अब पूरा दिन ऑडियंस भी देख पाएगी। क्या लगता है, ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। अब कपड़ा इधर सिर का उधर हुआ, मुंह उधर सिर का, भी सब देखेंगे ऑडियंस। बट डर तो है, बट एक्साइटमेंट भी है इसका, कि मतलब ऑडियंस विल सी द रियल यू। तो अगर ऑडियंस पसंद करेगी, मतलब आपकी ही वजह से आपको पसंद रही है, वो आपके एडिटेड वर्जन को पसंद नहीं कर रही है। Yes. अगर आपकी इंस्टा प्रोफाइल चेक की जाए तो भी यू डू अमेजिंग विद ऑल योर बिकिनीज एंड सूटिंग, तो क्या लगता है ना, एक ग्लैमर ऐड करोगे आप शो में? ग्लैमर ऐड कर देती हूँ तो शो तो ऑफ कोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियस। वन थिंग दैट मेक्स यू एंग्री, यू नो? वन थिंग दैट मेक्स मी, डिपेंड करता है, मतलब मुझे कुछ, कभी कभी तो कुछ लोग गाली नहीं पसंद आती है, तो वो चाहे जो कर ले मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अगर मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम कुछ भी अच्छा भी करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। Are you open for love? आई एम, बट नॉट वेरी मच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये सोच ही नहीं जा रही हूँ कि मैं बिग बॉस में प्यार नहीं जा रही हूँ। मैं अपना खेल खेलने जा रही हूँ और बहुत ही मुझे नहीं लगता है कि मुझे प्यार व्यार होगा वहां पे। चांस वेरी स्लिम, क्योंकि क्या लगता है करण जौहर क्यों इंप्रेस होंगे आपसे? उन्हें इम्प्रेस करना नहीं आ रही हूँ, मैं बस जैसे वैसे ही रहना चाह रही हूँ। नहीं, अगर उनके फेवरेट स्टूडेंट की बात करें तो आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है जो उन्हें इम्प्रेस कर पाएगी? मैं, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रही, करण जौहर को भी नहीं। आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ, और अगर इफ करण जौहर लाइक्स मी फॉर द वे आई एम, अमेजिंग। मैं कुछ ऐसा अपने आप को बदल, किसी को इम्प्रेस नहीं करा रही हूँ। मुझे तो पता नहीं कि करण जौहर को क्या पसंद है, तो वो तो मैं बता ही नहीं सकती कि उनको ये क्वालिटी इम्प्रेस कर देगी। नहीं, एक यूएसपी होती है हर एक इंसान की। आपकी अगर यूएसपी की बात की जाए, एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट आप जा रहे हो, पसंद ही नहीं हो उसको, नहीं पसंद मुंह फट लो तो वो तो बोलेगा चलो हटो यहाँ से। इस बार पब्लिक, जनता जो है वो भी टास्क देने वाली है, तो उसके लिए कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट से ज्यादा डर है, जनता तो कुछ भी करती है भाई, बहुत डर है।